हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर 3 के बारे में। दोस्तों, हम आपको बता देंगे सलमान खान की एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी रिलीज होने वाली है, जो इस दिवाली पर यानी कि 12 नवंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि टाइगर 3 सलमान खान की जो मूवी आने वाली है, यह तीसरा भाग है, यानी कि इसके पहले इससे इनका 2 मूवी बन चुका है। यानी कि पहला पार्ट था, एक था टाइगर, उसके बाद दूसरा पार्ट आया टाइगर जिंदा है, और दोस्तों यह है टाइगर 3 द फाइनल मिशन, यानी कि दोस्तों यह अंतिम भाग है। तो दोस्तों, यह बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं यशराज फिल्म्स के बैनर तले। जी हाँ दोस्तों, यशराज फिल्म्स इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी दोस्तों आती है यशराज फिल्म्स के बैनर तले जो भी फिल्म रिलीज होती है। दोस्तों, सलमान खान की यशराज फिल्म्स की बैनर तले यह तीसरी मूवी है। दोस्तों, टाइगर 3 में लीड भूमिका में है सलमान खान। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान के साथ साथ इसमें कैटरीना कैफ, शाहरुख खान, इमरान हाशमी भी अपना रोल अदा करते हुए आपको नज़र आएंगे। दोस्तों, तो सोच लीजिए, जब सलमान खान, शाहरुख खान और इमरान हाशमी जैसे इसमें बड़े से बड़े दिग्गज कलाकार रहेंगे, तो यह मूवी कहाँ से कहाँ तक जाएगी। इसका मतलब है दोस्तों, यह मूवी साल 2023 की सबसे सुपर डुपर हिट होने वाली है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है यह फिल्म टाइगर 3। दोस्तों, सलमान खान के अगर आप भी फैन होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आपको कौन से कलाकार पसंद आते हैं, आपके फेवरेट हीरो कौन हैं, सलमान खान, शाहरुख खान या इमरान हाशमी या कैटरीना कैफ? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले दोस्तों, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, अगर आप देखे होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कौन सा पार्ट बेहतर लगा, पहला भाग या दूसरा भाग, यानी कि एक था टाइगर आपको पसंद आया कि टाइगर जिंदा है। दोस्तों, अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो को पहले यानी कि मूवी को पहले देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आप पहला और दूसरा मूवी नहीं देखेंगे आपको तीसरा मूवी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको टाइगर 3 का आनंद लेना है तो इससे पहले आप एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है ज़रूर देखनी चाहिए, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा। और दोस्तों, इस बार दिवाली पे यह मूवी रिलीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है दिवाली दिवाली होने वाली है, यानी कि हम लोग एक बार फिर से दिवाली को जश्न से मनाने वाले हैं। यानी दोस्तों, इस बार दिवाली हम लोग मनाएँगे टाइगर के साथ।